हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आया आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सीतामढ़ी बहुत ही ज़्यादा ठंड है, और आप लोगों की तरफ पे ठंड है कि नहीं है कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताइएगा। और आप लोग कौन सी जगह में, कौन सी जगह से है वो भी ज़रूर बोलिएगा कि इस जगह में इतनी ठंड है देख करके। तो अभी हम अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30, और मुझे देख रही हूँ ना, मैं कितने सारे ठंडे कपड़े लगा के बैठे हुए हैं। अब मैं अभी जा रही हूँ रेडी होने के लिए, क्योंकि आज की ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा मस्त होने वाली है। आप लोग मेरे ब्लॉग को एंड तक देखिएगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि आज की ब्लॉग क्यों इतनी मस्त होने वाली है। तो मिलते थोड़ी देर में। तो परफेक्टली हम रेडी हो चुकी है, देखिए बैग सामान सब भी हो गए। अभी अब जाते जल्दी जल्दी नाश्ता करेंगे, और तो सीधा आपको थोड़ी देर में मिलते हैं। तो नीचे जाने मतलब नाश्ता वास्ता करने के बाद देखिए आप टाइम मिलेगा तो हम आपको वीडियो में दिखाते रहेंगे, अगर नहीं तो सीधा ट्रेन में जाके आपको दिखाएंगे कि वहाँ का व्यू सब दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए गाइस कितना सारा सामान हो चुका है, अब हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है। हम लोग आ चुके हैं टेंट में, आ टेंट हो चुकी है स्टार्ट। ये हम लोग जा रहे हैं बस स्टॉप जहाँ से पकड़ेंगे बस। गाइस हम लोग टेम्पू से उतरने के बाद आ गए हैं बस स्टैंड, मतलब बस स्टैंड जा रहे हैं, और यहाँ रेलवे स्टेशन को पार करने के बाद। तो अभी हम लोग आ चुके हैं मुजफ्फरपुर वाले बस में, एकदम सही टाइम में बस पकड़ा गई, नहीं तो अभी बहुत ही ज़्यादा वेट करना पड़ता। और बस खुल चुकी है अपनी जगह। लगभग 2 घंटा के बाद अब हम लोग मुजफ्फरपुर पहुँचने वाले हैं, और पूरा बस आपको दिख रहा होगा खाली है, क्योंकि जो पटना जाने वाले थे पटना चले गए और हम लोग बस बच गए हैं, और आगे भी कुछ लोग हैं। और ये तो अपना बिजी है कोर्ट में, और अब इसके बाद हम लोग ट्रेन में चढ़ेंगे। वाह बहुत सकूँ सकता है, ट्रेन में जाने का पता है, ट्रेन में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो अभी मुजफ्फरपुर पहुंचने के बाद यहाँ से हम लोग पकड़े हैं टेम्पू, ये जाएगी स्टेशन पहुँचाइए। और देखिए यहाँ का स्टेशन कितना बड़ा स्टेशन, मैं पहली बार देख रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ भी है, कितना बड़ा स्टेशन। तो हम लोग आ चुके हैं स्टेशन मुजफ्फरपुर स्टेशन पर, हम लोग को रिजर्वेशन का टिकट नहीं मिला तो हम लोग लोकल में ही जा रहे हैं, और मेरे हस्बैंड गए हुए टिकट कटाने के लिए। और यहाँ पे आपको दिखाते हैं बहुत ही ज़्यादा भीड़ है स्टेशन में टिकट काउंटर पे, टिकट के लिए इतनी लंबी लाइन लगने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे एक ऑटोमेटिक टिकट मशीन भी है जहाँ से टिकट कटता है, उसके बाद में बताई। और अभी हम लोग इंतज़ार करें ट्रेन का, और ट्रेन मिल भी गई बहुत देर के बाद, फिर हम लोगों को सीट मिली। तो आराम से हम लोग रात बिता लिए यहाँ पे, देखे मनोरंजन भी हो रहा है। अब इधर से आप जैसे बादल में साए इधर से निकला एक लोग का हिम्मत है कि ना नोच दिया ना मार दिया, कोई बात हुआ है? बात से बात मत कर रहा, बात मत करो, मारने का तो जरूरत है, मार दे तुरंत हाथ मचार दिया हो रहा देर के लिए, हाल है तो घर में क्या हाल रहा है? नींद लेकिन टूट गया ना छाटे ही, वो जहाँ रहते हैं अंदर एकदम भयंकर नींद में चली टूट गया है। पुले में रोक दिया, रियली में परमसिया हो गया, आदमी आते ही रहता है बरसात में, हटते क्यों? मुझे तो खिड़की का सीट नहीं पड़ी, यहीं से जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से बाहर का व्यूज़ बहुत ही प्यारा आ रहा था, पर ठीक से जूम करके नहीं दिखा पाए क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा दूर में बैठी हुई थी, पर व्यूज़ बहुत ही सुंदर था। आप मुँह तो लग गया है ठंडा, तो बहुत लगा ली है ठंडी सोने के लिए, और बाकी यहाँ से सारा लोग कोई नीचे सोया है, कोई ऊपर सोया है, कोई बगल में सोया है झुक के।
पर मुझे नींद नहीं आ रहा, जाग गया है। चलो है ना, तो आप अभी जा रहे हैं हम लोग सोने के लिए, तो आपसे और सुबह हो गया और फाइनली मुझे खिड़की वाली सीट मिल गई जहाँ से मैं आपको बाहर की व्यूज़ भी दिखा सकती हूँ। और अब कुछ ही देर के बाद हम लोग का स्टेशन भी आने वाला और देखिए बाहर की व्यूज़ कितना ही प्यारा है। वाह, मेरे तो झोला हमेशा पकड़ा रहता है अपने लेते और ये टाटा नगर का बाहर का स्टेशन के व्यूज़, अंदर का भी बहुत प्यारा पर लेने। तो हम लोग अपने डेस्टिनेशन पहुंच गए और यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं मेरे मामा जी का, जो कि आने वाले थे, अभी तक आए नहीं है। हस्बैंड को लगा हुआ खलबली कि ये कौन सा पौधा है जो नाम लिखा हुआ कोर्ट में, ये पौधा है जिससे नाम लिखा हुआ, देखिए ये देखने गए। और अब मामा आ गए और हम लोग तीनों बाइक में एडजस्ट हो गए, अब जा रहे हैं घर। और ये तो आप जानते ही होंगे। आइए ना, आएंगे आज जाते बात उधर आएंगे। तो आप अपना ब्लॉग के यही बिगिन करते हैं गाइस, आई होप आपको मेरे ब्लॉग अच्छी लगी, तो प्लीज मेरे ब्लॉग को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।